विस्तार से देखने का वक्त हो गया है। प्रदेश में होनहार विद्यार्थियों के हक पर डाका डालने का बड़ा खेल सामने आया है। होनहार जरूरतमंद विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में फर्जीवाड़े के इस खेल में क्या स्टूडेंट, क्या संस्थान और क्या ई मित्र संचालक सब शामिल नजर आ रहे हैं। आखिर कैसे हुआ छात्रवृत्ति में फर्जीवाड़ा, जानने के लिए रिपोर्ट देखिएगा। छात्रवृत्ति में बड़ा फर्जीवाड़ा, एक बैंक अकाउंट में डाली 40 छात्रों की छात्रवृत्ति, जांच में हुआ फर्जीवाड़े का खुलासा, अब होगा सख्त एक्शन। जी हां, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से प्रदेश में दी जा रही उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। इसके बाद विभाग ने 163 संस्थानों, 5000 स्टूडेंट्स को ब्लैकलिस्ट किया, 25,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स की छात्रवृत्ति होल्ड की है और ये सब हुआ विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा की मॉनिटरिंग से। दरअसल विभाग के आईटी एक्सपर्ट ने छात्रवृत्ति के फॉर्मों की जांच की तो सवाई माधोपुर और झुंझुनू जिलों में कुछ गड़बड़ी दिखाई दी। टीम ने विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा को जानकारी दी तो एक जांच टीम बनाकर दोनों जिलों में भेजी गई तो सारा खेल सामने आ गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद हमने संबंधित जो ईमित्र संचालक था और संबंधित जो हमारे कार्मिक थे और जो यूनिवर्सिटी थी उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई, जिसमें पुलिस ने उनको अरेस्ट भी किया, वो जेल में है अभी और उनसे कुछ राशि वसूली भी हुई है, कुछ उसमें वसूली कार्रवाई की जा रही है। इसी प्रकार एक प्राइवेट ITI थी झुंझुनू में, उसका भी केस हमें पकड़ में आया, उसने भी इसी तरह कुछ चीज की थी तो उसके खिलाफ भी FIR दर्ज कराई गई। सवाई माधोपुर और झुंझुनू जिलों में विभागीय जांच में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में फर्जीवाड़े का सच सामने आया। इसके बाद दोनों जिलों में विभाग ने मामला दर्ज करवाया। इसके बाद विभाग ने सभी जिलों में छात्रवृत्ति फॉर्मों की जांच शुरू कर दी। वहीं अब ब्लैकलिस्टेड शिक्षण संस्थाएं और स्टूडेंट्स कभी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। जो कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने की झूठे प्रमाण पत्र लगाए थे या झूठी मार्कशीट लगा करके और जो स्कॉलरशिप लेने की प्रयास की थी, उनकी संख्या कुछ हजार में है, तो उनके हमने आधार नंबर और जो जनाधार नंबर थे जिस ID से अप्लाई किया था उसको ही हम ब्लैकलिस्ट कर दिया। इसका मतलब अब उस आधार नंबर से या उस जनाधार नंबर से अब वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर पाए। इसी प्रकार कुछ और जो इंस्टीट्यूट हैं उनको होल्ड पर रखा गया है क्योंकि उनकी इस तरह की जो संदिग्ध जो एप्लीकेशंस थी जो सही नहीं थी उनको उन्होंने फॉरवर्ड किया है, बट क्योंकि उसमें इंस्टीट्यूट की अभी मिलीभगत स्थापित नहीं हुई है तो हमने अभी उनके खिलाफ फाइनल एक्शन नहीं लिया है, वो कार्रवाई हमें प्रक्रिया दी। शुरुआती जांच के बाद छात्रवृत्ति के फर्जीवाड़े से जो सच सामने आया उसके बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने फ्रॉड मिटिगेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी एडवांस तकनीक से लैस छात्रवृत्ति पोर्टल शुरू किया। इससे यही उम्मीद की जा रही है कि अब प्रदेश में होनहार और जरूरतमंद छात्रों के हक पर कोई डाका नहीं डालेगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से जियाउद्दीन खान की रिपोर्ट।